हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वापस हम लोग आ चुके हैं राफ्ट सर्वाइवल में। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग गए थे रेडियो टावर में और वहां से हमको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, कोऑर्डिनेट्स और कुछ हमको ब्लूप्रिंट्स वगैरह मिले हुए थे। अभी उसके बाद हमको एक नया कोऑर्डिनेट मिला था जहां पर हमको अभी जाना है। हम लोग जा ही रहे, हम लोग पहुंचने ही वाले हैं किसी भी टाइम पर, मेरे को दिख जाएगा सामने से वो। तो हम लोगों ने अभी लोकेशन अपना जो राफ्ट का ये है सेल उसको सेट कर रखा है, हम लोग जा रहे हैं। बल्कि मुझे लगता है कि मुझे ऐसे मोड़ना चाहिए शायद, तो हम लोग थोड़ा स्लो जा रहे हैं। मेरे को थोड़ा सा इसको और मोड़ देता हूँ और यहाँ पर अपना ट्री मैंने लगा रखा है और यहाँ पे हमारा सब कुछ है। तो एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम अभी मेरे को फेस करनी पड़ रही है, वो ये है कि मेरे पास ना एरिया थोड़ा सा कम है, तो मैं हर डायरेक्शन में अपनी राफ्ट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहूंगा। जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च करी मेरे को ये पता चला कि यार अपनी जो राफ्ट होती है ना, जब आपको एक छोटी सी राफ्ट मिलती है 2x2 के आई थिंक मिलती है, तो उस राफ्ट का सेंटर आपको पता होना चाहिए। उससे फायदा ये होता है कि अगर आप ये कलेक्शन नेट बना रहे हो ना, तो आपको पता रहेगा कि हाँ सेंटर पॉइंट ये है, यहाँ से इतना इस साइड को होना चाहिए। तो वो मेनली मेरे को छोड़ना चाहिए था, उसको अलग नहीं करना चाहिए था, मतलब मेरे को पता ही नहीं कहाँ पे अभी। तो वो एक प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, अभी ऐसा कोई दिक्कत उससे हो नहीं रही। बाकी कलेक्शन नेट ये एकदम परफेक्ट हो रखा है, अभी बस ऐसे ही हमको काम चलाना होगा। हम लोग बस इकट्ठा कर रहे हैं सामान। तो अभी राफ्ट को ना मैं एक अच्छा लुक देने की कोशिश तो कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी लोग एरिया बढ़ाए, बहुत ज्यादा अपने राफ्ट के लुक पर फोकस ना करें। मुझे अपना स्टोरेज रूम बढ़ाना है क्योंकि मुझे ना बहुत बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी करके रखनी है, तो हम लोग वो उस काम पर ज्यादा फोकस करेंगे अभी, ठीक है। और बाकी जो ये है मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसमें से मैंने एक और है, इसको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कलेक्ट करके रखे हुए 9, लेकिन ये बैटरी खा रहा है, बहुत ज्यादा तो नहीं खा रहा है। सबसे ज्यादा जो बैटरी खत्म हो रही है वो हो रही है हमारे एंटीना वगैरह में, उतनी इसमें तो नहीं हो रही, बट हाँ ठीक है, मतलब एंटीना वगैरह में काफी ज्यादा खर्च हो रही है। इसके एक बैटरी काफी लंबे टाइम तक चल जा रही है, मतलब ये समझ लो कि दो बार में इसको पूरा भर के उसको खाली करके उससे जितने भी जो ये बनेंगे ना, क्या नाम है इनका, ट्रैश क्यूब बनेंगे, वो बना सकता हूँ। लेकिन अब पता प्रॉब्लम ये है कि मुझे कोई अभी आइलैंड वगैरह दिख नहीं रहा, मेरे को बड़ा आइलैंड चाहिए जहाँ पर हमारा ट्रेडिंग पोस्ट हो तो जाके मैं ट्रेड कर सकूँ। फिलहाल हम लोग ना वुड निकालते हैं, मेरे पास बहुत सारा वुड पड़ा हुआ है। हमको चाहिए प्लास्टिक और हमको चाहिए वुड, ठीक है। अब जाके हम लोग अपनी राफ्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो मैं डायरेक्ट यही वाला वुड यूज करने वाला हूँ ताकि बार बार चेंज ना करने पड़े। यहाँ तो ऑलरेडी तोड़ रखा है किसी ने, मुझे लगता है ना कि तीन बढ़ा देता हूँ मैं इसको। खर्चा हो रहा है वुड का, लेकिन हमारे पास बहुत सारा है, कलेक्शन नेट है, तो अब जाके कोई टेंशन नहीं है। तो ये काम करना है। दूसरा, मेरे पास अभी कुछ जो मेरे टूल्स है ना खराब हो चुके हैं। हुआ क्या था कि मैं कुछ सामान इकट्ठा करने, एक यहाँ पे भी लगा सकते हैं हम लोग इसको, ओके। तो मुझे लगा कि यहाँ हाँ सिर्फ एक ही तो चाहिए ना इसके लिए, बल्कि इसकी लोकेशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। 1, 2, 3, 4, मेरे को लग रहा है 4 इस साइड को छोड़ दिया हम लोगों ने, और यहाँ पर ये तो पता भी नहीं चल रहा है, 1, 2, 3 है, तो इसको भी हम लोग 4 कर सकते हैं, या इतना काफी है, 3 काफी है। अब ये मैंने ये वाला लगा दिया यहाँ पे, अब अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ तो रिमूव तो होगा नहीं, मैं इसको कट कर सकता हूँ, कट करना पड़ रहा है अभी मेटल वाला था लेकिन कोई बात नहीं, अभी करना तो हमको पड़ेगा। तो अभी ना थोड़ा और वुड मैं निकालता हूँ, बल्कि मेरे को ज़्यादा ही चाहिए वुड, और हमको चाहिए ये भी थोड़ा। अभी अपना जो शेप है ना उसको अच्छी करने की नहीं, ओके। तो हम लोग जो नई लोकेशन पर जाने वाले थे, वो एक कोई बहुत बड़ी शिप है जहाँ तक मुझे लग रहा है यार ये बहुत बहुत सही चीज़ दिख रही है मेरे को। हम लोग अभी बस पहुंचने वाले हैं, वहाँ मुझे एक्सप्लोर करना होगा, लेकिन उससे पहले मेरे को तैयारी करके जाना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाने वाला है हमारे लिए काम करना। तो वो तैयारी भी मैं करूँगा। और यहाँ पर कलेक्शन नेट लग चुका है, उसके आगे ये लग चुका है। आगे मुझे लगता है कि कलेक्शन नेट मुझे थोड़ा आगे शिफ्ट करना चाहिए था, या इसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ यहाँ से इस डायरेक्शन में, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलो इतना बढ़ा दिया मैंने यहाँ से, ओके अब ठीक है। अब जाके मेरे पास मेटल तो है, उसको जो सिक्योर करने में वो लगता है ना मेटल, वो देखता हूँ कि मैं कितना लगता है। तो हमको लगता है उसको सिक्योर करने में मेटल लगता है 1-2 नेल लगती है, मुझे अभी लग नहीं रहा कि इससे कोई फायदा हमारा होने वाला है। तो ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, ताकि अगर वो काटे तो इसको काटे, हमारा वाला बच जाए, ठीक है। अभी के फिलहाल टेम्प्रेरी मेरे को ये करना पड़ रहा है, तो हम यही कर रहे हैं अभी। एक और यहाँ पर लगा देते हैं, चलिए अभी ये वाला काम तो हो चुका है, सारा सामान एक बार कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास सारा चीज हो चुकी है, अब जाके मेरे को कुछ चीजें क्राफ्ट करनी है। जैसे कि मुझे ना वेपन बनाना है ये वाला मेटल वाला, उसके लिए हमको मेटल मेरे पास है, मेटल स्मेल्ट करने रखना पड़ेगा मेरे को, मैंने शायद थोड़ा रखा भी हुआ था, ओके मैंने थोड़ा रखा भी हुआ है, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए वुड, ओके। तो ये मैंने बना लिया, इसको हम लोग रखते हैं 1 पे। ये भी टूटने वाली हो रही है यार, किसी भी टाइम पर टूट सकती है। अब बाकी का जो मेटल है वो मैं रख देता हूँ यहाँ, और मेरे पास कॉपर भी है। कॉपर हमको ना बैटरी बनाने के लिए बहुत यूज़ होने वाली है। तो वैसे हम लोग ना बस पहुँचने वाले हैं, मैं पहुँच ही चुका था ऑलमोस्ट, बट मैं थोड़ा सा ना दूर आ गया वहाँ से, तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोग 500 मीटर
ये क्या हो रहा है, इतना दूर आ चुके थे हम लोग। ओके तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। मैं ना कुछ रेसिपीज ट्राई करने वाला हूँ। मेरे पास बाउल थे, मैंने बाउल कहीं रखे हुए हैं क्या? क्ले पॉट मैंने बनाए हुए थे, वो क्ले पॉट कहाँ चले गए मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों कहाँ चले गए। नहीं यहाँ भी नहीं है, तो क्ले पॉट मेरे पास नहीं है। मुझे ना ये रेसिपी बनानी थी हम लोग। नहीं यार ये जूस वाले हैं, सिर्फ एक चीज बना सकते हैं वेजिटेबल सूप, उसके लिए एक और एक, अच्छा दो दो चाहिए होंगे शायद। हाँ तो मेरे को दो ये चाहिए होंगे और दो वो चाहिए होंगे, ट्राई करके देखते हैं। अब मेरे को ना वो भी तो बनाने पड़ेंगे साथ में, क्ले बाउल चार शायद। ये ना क्ले बाउल के साथ चक्कर ये है कि एक बार बन गए तो ऐसा नहीं कि बार बार यूज कर सकते हो, ये खत्म भी हो जा रहे हैं। ओके मेरे को ना वुड प्लैंक भी चाहिए होंगे इसके लिए, तो मैं इतने वुड प्लैंक ले लेता हूँ, इसमें वुड लगाता हूँ। चलो हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, मैंने एक नेस्ट बना लेता हूँ। नेस्ट के लिए हमको चाहिए, यार ये बहुत काम की चीज है, इसका मतलब इससे कुछ यूनिक चीजें बना पाएंगे। ओके 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 ठीक है मेरे को समझ में आ रहा है। ये जो नेस्ट मैंने बना रखा है ये मैं कहाँ पर इसको रखूँ, ऐसी जगह पर जो मतलब सेफ हो थोड़ा, जहाँ पर मैं ज्यादा जाऊँ ना। अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई बर्ड आती है नहीं आती है। यार इतना स्पीड से क्यों नहीं जा रहे हम लोग, एक सेकेंड मेरे को लगा। ओके 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 तो इससे फर्क पड़ रहा है कि हम लोग ना विंड की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हमारी सूप वेजिटेबल तैयार हो चुका है, एक ही बना बस। ओके अब इसको हम लोग पी लेते हैं, बस एक बना यार, मुझे तो और बनाने थे थोड़े से। चलिए दोबारा थोड़ा बना लेते, थोड़ा सा इकट्ठा बना लेता हूँ, इससे हमको अच्छी खासी सैचुरेशन मिल रही है, तो यार एक काम की चीज है। बाकी वेट कर रहा हूँ, पानी वानी डाल लेते हैं थोड़ा इसमें। बस मेरे को ना जब तक मैं वहां पहुंचू तो मेरे को तैयारी करके रखना है अपनी पूरी, ताकि वहां जब हम लोग जाए तो वहां, क्योंकि ना खतरा भी हो सकता है उसके अंदर। तो एक ना बहुत बड़ी शिप मेरे को दिख रही थी उस टाइम पे वहां पे, अभी वो है क्या वो तो जाके ही पता चलेगा वहां पे। फिलहाल थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं यहां से लकड़ी काट लेता हूं। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया था मुझे, बहुत सारी कम से कम मैंने 10-15 पैडल्स बनाए, उसकी मदद से मैं पहुंच पाया। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये देखो बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में हवा का जो वो डायरेक्शन है वो है, तो ऐसे में ना ये बिल्कुल काम करता नहीं है। तो अभी काम अभी भी शायद हम लोग देखो कितना स्लो बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, बीच में कम होने लग गया तो बहुत ही मतलब मुश्किल हुआ था। अभी भी हम लोग पैडल से ही जाएंगे, तो हम लोग पैडल से ही जाने वाले हैं। अब मुझे सामने दिख रहा है तो बहुत ज्यादा दूर है नहीं, काफी पास हम लोग आ चुके हैं। और ये एक बहुत बड़ी शिप मेरे को नजर आ रही है, जिसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि कुछ जल रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब देखो ऊपर धुआं सा उठ रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई आइलैंड भी है साथ में, तो ये हमको पूरी एक्सप्लोर करनी है। उसके बाद शायद यहाँ से हमको कोई और कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और यहाँ पे बहुत काम की चीजें मिलने वाली है। तो यार ये बहुत बड़ी चीज है और एक्सप्लोर करना थोड़ा सा रिस्की भी हो सकता है, और थोड़ा ध्यान से मेरे को करना होगा, क्योंकि अगर एक्सप्लोर करके मैं वापस आ रहा हूँ और उस टाइम पर अगर मर गया सारा सामान गायब होगा जहां तक मुझे पता है, क्योंकि वो सामान फिर दोबारा तो नहीं मिलने वाला। अगर गायब नहीं भी होगा वो तो एटलीस्ट अपने पास जो चीजें हैं वो तो गायब हो जाएंगे। तो यार बहुत कीमती सामान है अपने पास, अभी बहुत मेहनत लगती है ये सब बनाने में, चाहे वो बो हो। और एरोज तो बहुत सिंपल मैंने अभी बना रखे, बट एरोज के लिए मैंने बहुत सारा फैदर इकट्ठा कर रखा है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को सजेस्ट किया था कि मैं नेस्ट बनाऊं, और मैंने नेस्ट बनाई। उसके बाद से वहां पर 2-3 बार बर्ड बैठी, मैंने उसको बो से ही मारा, फैदर इकट्ठा किया। तो हम लोग ये करते रहेंगे आगे भी। और एक दोबारा से ओशन में मतलब लहरें आने लगी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा पत्थर मेरे को लग रहा है और बहुत बड़ी एक शिप है। ओके ओके तो मेरे को थोड़ी बहुत स्टोरी समझ में आ रही है इसकी। इसकी स्टोरी थी नहीं शायद, लेकिन हाँ ये फंसा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ होगा और यहाँ से भी हमको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। आगे हम लोग अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी लग रहा है पास आ चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा दूर है। अभी मुझे कुछ ऐसा, हाँ मेरे को यहाँ से दिख रही है लैडर, तो हम लोग इधर के डायरेक्शन में जाते हैं। देखो मेरी जो राफ्ट है अभी बहुत बड़ी बन रखी है, और इसको ऐसे टर्न करना या फिर इसको लेके जाना आगे बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन आज अगर यहाँ पर हमको कुछ चीज़ें मिल गई तो हम लोग उसको इकट्ठा कर लेंगे, फिर जाके मैं थोड़ा बहुत ना चेंजेस वगैरह करूँगा अपनी जो राफ्ट है उसको बेटर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। ये मेनली अभी मेरे पास, आज मैंने काफ़ी कुछ खर्च भी कर लिया। वैसे मेरे को पैडल बनाने में बहुत प्लास्टिक खर्च हुआ, वुड खर्च हुआ। उसके बाद मैंने जो मुझे ये सोचा था कि मैंने अगर हम लोग किसी आइलैंड पर जाते हैं तो वहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा, उस चक्कर में मैंने बहुत सारे जो ट्रैश क्यूब है ना वो बना के रखे हुए हैं, तो उसमें भी बहुत सारा प्लास्टिक खर्च हुआ। एक मेरे पास पूरा जो हमारे पास बॉक्स भर के रखा हुआ था चेस्ट, वो अभी ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। तो यार ये कितना सही लग रहा है ना, मतलब अपने मन कर रहा है अपनी राफ्ट छोड़ के इसको लेके चले जाऊं, बट नहीं, जो यहाँ पर लोग थे वो नहीं लेके जा पाए, मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें फंस गया था और उसकी वजह से सब कुछ ही गड़बड़ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से जो, अरे यार यहाँ से थोड़ा मोड़ना मेरे को मुश्किल होगा, ये बहुत धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है मेरी राफ्ट, हवा की वजह से शायद। तो ठीक है कोई बात नहीं। हाँ मैंने सूप बनाया हुआ था, तो सूप तो मैंने अभी तक पिया ही नहीं, तो अभी हम लोग सूप पीने वाले हैं। मेनली मैं खाना लेके जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, पानी। तो अभी हम लोग, एक मग और है मेरे पास इसमें भी, अरे यार अभी इसको पी लेते फटाफट से ना, इसमें पानी भर देता हूँ, बीच में वापस भी आ जाऊँगा।
तो हम लोग पानी को एटलीस्ट यूज कर पाएंगे। और मैं अपना सूप पी लेता हूँ एक। ओह ओके, ये सूप ना बहुत कमाल का है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इससे हमारी जो सिचुएशन बाहर है ना वही आगे बढ़ चुका है। अभी हम लोग एंकर ड्रॉप करते हैं और अब यहाँ से हम लोग सीधे चल रहे हैं इसके अंदर। यहाँ से मैं जा पाऊँगा ना पक्का? हाँ रास्ता तो है। ओके मेरे को यहाँ से लैडर दिख रही है। यहाँ आने का वैसे भी कोई रास्ता था नहीं। यहाँ से मैं ट्री कट कर लेता हूँ, थोड़े मैंगो वगैरह मिल जाएंगे मेरे को। मेरे को वैसे मैंगो ही चाहिए और कुछ नहीं। खाने का सामान मैं एक्स्ट्रा रखना चाहता हूँ अपने पास। और वैसे एक सेकेंड यार, बो की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगता कि बो की ज़रूरत पड़ने वाली है इसके अंदर। अगर कुछ होगा भी तो उसके लिए हमारी, मतलब बो से ज़्यादा मुझे लगता है कि यार जो स्पीयर है ना वो ज़्यादा काम का है। तो अपनी बो और ये एरोज हटा लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा था। तो मुझे ना पीछे के रास्ते से कहीं से आना पड़ेगा। खाना तो यार जितना भी मिल रहा है इकट्ठा कर लो। ओके यहाँ से कहीं से रास्ता है। ओके तो यार मुझे ना मुझे आगे अपनी राफ्ट को लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इनकेस ऐसा कुछ होता है कि यार वहाँ पर खतरा ज़्यादा और मेरे को जो भी सामान मिला हो उसको मैं रखना चाहूँ तो मुझे उसके लिए चाहिए। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा दूर लेके जाने वाले हैं और मैं एंकर भी अपना ड्रॉप करने वाला हूँ वापस से। गर्म सूप से कहीं हाथ ना जल जाए मेरा। ओके तो देखो इतनी बड़ी राफ्ट है, ये शिप के बराबर ही मेरी राफ्ट भी लग रही है, उससे थोड़ी छोटी हो सकती है, बट देखो कितना मुश्किल हो रहा है इसको टर्न करना। तो बेचारे इनकी भी शिप ऐसी फंस गई यहाँ पत्थरों के बीच में, कैसे आ गई मुझे समझ नहीं आ रहा। शायद वहाँ से रास्ता होगा और ऊपर जाने का रास्ता तो कुछ ना कुछ चाहिए, वरना मेरे को बनाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आ तो गए, यहाँ से फंस रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा इधर को, थोड़ा मुश्किल हो रहा है इसको यहाँ से टर्न करना। तो अभी मैं एक काम करने वाला हूँ, एक चीज़ मैं भूल रहा था, मुझे ना एक ब्लूप्रिंट मिला था, मुझे हेडलाइट बनानी है, क्योंकि यहाँ पे ना वो इंपॉर्टेंट है। अंदर मुझे नहीं पता कि लाइट्स है या नहीं है, क्योंकि इतने टाइम से ये होगा ऐसे यहाँ पे अबैंडन्ड, तो हो सकता है कि ना हो। तो हेडलाइट की ब्लूप्रिंट क्या मुझे लर्न करनी पड़ेगी? रिसर्च ऑलरेडी रिसर्च कर रखी मैंने यार। मेरे को बैटरी चाहिए, मैं रिसर्च तो कर चुका हूँ लेकिन रेसिपी क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे? बैटरी को रिसर्च करना पड़ सकता है, हो सकता है मैंने अभी तक ना बैटरी को रिसर्च नहीं किया हुआ है। हाँ लेकिन लर्न करने को कुछ आया नहीं भी। ओके हेडलाइट आ गई है अब जाके। तो हेडलाइट के लिए हमको एक और बैटरी मेरे को बनानी पड़ेगी हेडलाइट के लिए। तो जल्दी से बना लेते हैं एक कॉपर, और मेरे को चाहिए रोप। चलो अब मैं इसको पहन सकता हूँ आई थिंक। हाँ अभी ठीक है, बस इसकी बैटरी वैटरी तो खर्च नहीं होगी यार। नई नई खर्च होने वाली है इसकी बैटरी भी, तो इसको ना ऊपर रखते हैं अभी। चलो यहाँ पे तो राफ्ट, यहाँ पे शार्क आने का कोई मतलब बनता है नहीं, पत्थरों के बीच में आ भी सकती है वैसे, बट ज़्यादा दूर नहीं है। देखो इसका हाल देखो यार, पत्थरों में फंस गई यार, ये आ कैसे गई यहाँ पे? लेकिन ये अंदर कैसे घुस गई मुझे समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि वेव्स के साथ में शायद आ गई हो। अब मेरे को हेडलाइट तो लगानी पड़ेगी। चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं ना एक और सूप पी ले रहा हूँ, बस ध्यान से पीना है, एक ही पीना। देखो अंदर अंधेरा तो है वैसे, और ये बहुत बड़ा ना कॉरिडोर सा है मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ओके मेरे को पहले क्या चीज़ों के लिए सर्च करना है हम लोग देखेंगे, जो भी काम की चीज़ें मिल रही है वो सब कुछ ले लो यार। ये इंजन वाला रूम है क्या? एक नोट मिला मेरे को, तो ये ना उन लोगों की आवाज़ है। मैं स्क्रैप वगैरह क्यों, लाइट जली क्या? ओके लाइट जली यहाँ पे। तो यहाँ से तो मैंने चीज़ें ले ली है, मुझे कुछ ऐसा खास मिला नहीं। क्रॉल बार, ओके ओके, थोड़ा ना डर भी लग रहा है लग रहा है, सही में लग रहा है डर, क्योंकि ये जगह है ही ऐसी। नहीं, पहले ना सिर्फ बाहर बाहर का रूम देखता हूँ, यहाँ भटकने जैसा भी है। एक सेकंड, अप स्टेयर्स, स्टेयर्स है तो पहले ना ये कॉरिडोर वाला एरिया पूरा मैं छान मारता हूँ। बाथरूम है यहाँ पे, और पूरा एरिया देख लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से डोर है। एकदम स्ट्रेट वाले डोर में हम लोग, रेड की चाहिए इसके लिए मेरे को यार। ये सब ना मैं बाद में लूट लूंगा, अभी ना मैं इन पर फोकस नहीं करता हूँ, ठीक है? मैं जो काम की चीज़ें वो देखता हूँ जो मेरे को अलग मिल रही है यहाँ पे। रेड की मिल गई, ओके ओके मेरे को रेड की मिल गई यहाँ पे। और कुछ है? शैम्पू वगैरह, शैम्पू वगैरह रख लूँ क्या? मेरे पास राफ्ट में शैम्पू वगैरह नहीं है, तो ये डोर ओपन ही रख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। और इतना मुश्किल है नहीं वैसे, यहाँ पे भटकना वटकना कुछ ऐसा है नहीं, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है गाइस। पिकअप मैकेनिकल पार्ट, ओके तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमको ना मैकेनिकल पार्ट मिलेंगे और हम लोग इंजन बना सकते हैं। आज ही मैं बहुत परेशान हुआ था। रिक्वायर 5 मैकेनिकल पार्ट्स। ओके मेरे पास क्या क्या है? मेरे को कुछ मिला क्या अभी? मुझे किसी की आवाज़ आई है। मेरे पास सिर्फ एक मैकेनिकल पार्ट है, मुझे 5 चाहिए। रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रिकल वायर लाइटर। ओके तो यहाँ पे आके मैं बना सकता हूँ, मेरे को पहले लेके यहाँ पे आना होगा। तो मैं स्क्रैप वगैरह क्यों ले रहा हूँ मेरे को पता नहीं, बट मैं ले रहा हूँ, ठीक है? मैं ऊपर से भी सब ले रहा हूँ, मैं वापस यहाँ नहीं आना चाहता। ओके गाइस तो यहाँ से हमारा काम हो चुका है, अब मेरे को चलना है ऊपर। यहाँ से, यहाँ भी कुछ नहीं था ना वैसे। चलो अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। इस वाले पूरे पार्ट में हम लोग होके आ गए, यहाँ भी मैं होके आ चुका हूँ, और अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ से। ब्लू की चाहिए मेरे को इसके लिए यार। ये कहाँ से आ रही है की वगैरह? ओ शिट, ये कौन है? नहीं 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 नहीं, अरे अटैक कर रहे हैं। ओ शिट, ये अटैक कर रहे। गया गया गया, ओके
ये क्या लड़कर, कुछ नाम है इसका लड़कर बहुत घिनौना था, बहुत ही घिनौना था और बहुत खतरनाक भी था। इसने मेरे को डैमेज दिया था लेकिन मेरे को समझ में आ चुका था कि इस पर अटैक कैसे करना है। ये ना बहुत स्लो था। ओके, ब्लू की से मैंने इसको ओपन कर लिया। ये ऊपर जाने का है। मैंने ना नीचे कुछ चीज छोड़ी तो नहीं है? चलो हम लोग नीचे तो बाद में कर सकते ना, एक बार थोड़ा सा अपनी हेल्थ वगैरह बढ़ा लूं। ओके यार, ये बहुत ना कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। बट मेरे को देखना है मैकेनिकल पार्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वायर वगैरह पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, तो वो मेरे को देखनी है यहाँ पे। मैंने एक काम करता हूँ, मेरे को एक बार वापस जाना पड़ेगा। मेरी बैटरी वैटरी सब खत्म होने वाली, मेरे को ये तो पता था ही नहीं कि ऐसा भी होगा। एक और मैकेनिकल पार्ट मिला मेरे को। ओके, ये बॉक्स नहीं, इसको नहीं ले सकते। बहुत सारी चीजें मिल चुकी है। चलो अभी एक बार ना खाली करके आते हैं अपनी इन्वेंट्री, और ये सारा सामान भी मैं वो करके आता हूँ। यहाँ से प्लास्टिक भी लेके चल रहा हूँ मैं। नहीं, यहाँ पे एक और है। ये अटैक करेगा। ओके, अटैक करेगा। ओके, अटैक करेगा एक और बार। इस बार कर दिया इसने, लेकिन मैं इसका मीट उठा लेता हूँ। तो मैं ना ओके वही वाली जगह पर आ चुका हूँ मैं, जहाँ पर मैं पहले आया था। यहाँ पर तो उस टाइम पर कुछ भी नहीं था यार, अभी ऐसे कैसे यहाँ पर सामान आ गया बहुत सारा? मतलब ये बंदा आ कैसे गया यहाँ पर? हाँ, ये पहले भी नहीं मिला मेरे को। ऐसा तो नहीं कि रिस्पॉन हो रहे हैं यहाँ पर? मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे शार्क है। बट मेरे को बैटरी लेके आनी है मेनली, और कुछ काम नहीं था। और हाँ, मेरे को इन्वेंटरी भी खाली करनी थी। मैंने कचरा उठा लिया, अब नहीं उठाऊंगा मैं। अब मैं कुछ भी कचरा नहीं उठाने वाला। मैं सबसे पहले ना यहाँ पर आलू प्लेस करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये आलू नहीं, मैं ये मीट डाल रहा हूँ यहाँ पर, और शायद आलू भी प्लेस कर सकूंगा। चलो अभी सो जाते हैं, कल सुबह हमको खाना कुक हुआ मिलेगा, तो ये फायदा होता है। सारा खाना कुक हो चुका है, और अब जाके मैं इन्वेंट्री में पहले तो एक तो ये रख लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है मुझे अभी। कोई रेसिपी नहीं मिली ना, इसको हम लोग बाद में टेस्ट करेंगे। ओके गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ, और वापस से इसने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मुझे पता है ये अटैक कर रहा है ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में कर रहा है, बहुत धीरे से। बच जाओ, साइड को हो जाओ और मार दो इसको। खाना इकट्ठा कर लेता हूँ, इसको कुक करने रखेंगे हम लोग। तो मुझे यहाँ पर वापस आके यही मीट मिला है। ओके यार, जो चीजें मेरे को मिल रही है वो दिख नहीं रही, तो मेरे को एक बुलेट यहाँ पे मिली थी। ठीक है, अंदर दरवाजा है, इसको ओपन करके देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो आसपास हम लोग आराम से घूम के आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर अभी मैं हूँ, ऊपर और बहुत सारे फ्लोर है। तो जो बाकी के बचे हुए मैकेनिकल पार्ट्स है ना, मुझे लगता है कि अंदर से बंद है। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पे मेरे को मिल जाएंगे। तो अभी मेरे पास कितने हो गए, मैं एक बार टेस्ट चेक करूँ कितने हो गए। 3 मैकेनिकल पार्ट हो गए, बाकी और कुछ नहीं मिला मेरे को। बुलेट मिली, मेरे को एक जो गैस सिलेंडर है वो मिला हुआ है। अभी मेरे को कुछ और चीजें एक्सप्लोर करनी है, तो मेरा लाइटर कभी भी जा सकता है। नीचे जाने की सीढ़ियां है ना शायद? ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अब जाके मेरे को इससे अपस्टेयर जाना है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मेरे को नीचे जाना पड़ेगा गाइस। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे यहाँ से। मेरे को लग रहा है कि ग्राउंड फ्लोर। शिट, नहीं 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 नहीं, बच गया इस बार, बच गया यार। इसने मेरे को बहुत डैमेज कर दिया। ओके ओके, मेरे को बहुत ध्यान से करना होगा। मर गया। ओके, अपनी वुडन स्पीयर अभी तक तो बची हुई है। यहाँ नीचे कुछ भी नहीं था। ओके, इस वाले में भी मैं आ चुका था, ये बार वाले एरिया में मैं देख रहा हूँ अभी। नीचे एक और है यहाँ पे यार, कितने हैं? ओके, तो जिस जगह पे ये स्पॉन हो रहे ना, अगर मैं वहां पर जा रहा हूँ वहां से दूर, और वापस वहां पर आ रहा हूँ, तो तब भी ये मेरे को वहां मिलेंगे। ओके, मेरे को एक और यहाँ पर नोट मिला है, एक मैकेनिकल पार्ट मेरे को मिला हुआ है, और यहाँ पर डोर बंद है, और यहाँ पर इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद एक डोर है, जहां से अगर मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं बाहर वाले पार्ट में इसके जा रहा हूँ, जहाँ पर शायद मैं ऑलरेडी नहीं, यहाँ पे तो नहीं आया था मैं। ये हेलीपैड है, और यहाँ पे मेरे को एक और बॉक्स मिल रहा है। रात का टाइम हो रहा है, मैं पूरे राफ्ट में, यहाँ पर राफ्ट नहीं यार, शिप में अकेले घूम रहा हूँ। अब मेरे को अंदर जाना है वापस, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ है क्या साइड में, देख के आऊँ? नहीं नहीं नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो मेरे को एक बार देखूँ मैं कि क्या क्या मिल चुका है। मेरे को मैकेनिकल पार्ट मिले हुए हैं 4, एक और चाहिए मुझे, और उसके बाद मेरे को रिकॉर्डर 4-डिजिट कोड मिला हुआ है, जो भी चीज़ें हैं। मेरे को कुछ और चीज़ें चाहिए ऊपर रूम में जाने के लिए, तो मेरे को ना कुछ कीज़ वगैरह चाहिए। अब वो की कहाँ मिलेंगी, ये मेरे को देखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिलहाल मैं एक्सप्लोर तो कर ही रहा हूँ यहाँ पे। नहीं, मेरे को जहाँ से जाना होगा, मेरी पेयर टूट चुकी है। ओके, तो यार थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मेरे को एक्सप्लोर करने में, जगह ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाकी यही है, यहाँ पर और कोई खतरा नहीं है, तो ये चीज़ तो मतलब सेफ है। बस मेरे को थोड़ा सा जगह एक्सप्लोर करने में टाइम लग रहा है। इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर कर ली है। अब मुझे पता है कि मुझे एक तो की कार्ड चाहिए। एक सेकंड, कौन सी साइड है वो? ओके, इस साइड को है। एक की कार्ड मेरे को चाहिए, और एक शायद ग्रीन कलर की, मेरे को ग्रीन की चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मेरे को अभी चाहिए। ओके गाइस, तो वापस मैं आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ पर मुझे फाइनली की कार्ड मिल चुका है। इससे मुझे एक डोर ओपन करना है। स्वागत तो करो हमारा। मैंने क्यों खोला है? नहीं खोलना चाहिए था मुझे। ओके, 3 में मर जा रहा है, तो आराम से मर जाए। ओके, ये मैंने गेट खोलना नहीं चाहिए था, ऐसे बंद कर देता हूँ। एक बार जहाँ से आ रहा है ना, दोबारा से आ रहा है। तो अभी मुझे यहाँ से कुछ काम नहीं है, मुझे ना एक डोर खोलना है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो डोर है कौन सा वाला। ओके ओके, ये वाला डोर ओपन हुआ है, और यहाँ पर मुझे
ग्रीन की मिली है, ओके। इंजन मैं देख रहा हूँ, मैकेनिकल पार्ट वगैरह कहीं कुछ दिख रहा है। ओके, अब यहाँ कुछ नहीं है, अभी मेरे को सीधा यहाँ से ऊपर जाना है। रास्ता थोड़ा सा ना ऐसा है कि भटकने वाला सा है, एक तो अंधेरा हो रहा है और ऊपर से पता नहीं चल पा रहा है। तो अभी यहाँ से शिट, ये कितने स्पॉन हो रहे हैं, कितने स्पॉन, मेरा खाना तो इकट्ठा हो रहा है लेकिन ये बहुत स्पॉन हो रहा है यहाँ पे। आई थिंक ग्रीन कार्ड मेरे को इधर यूज करना है कहीं पे। नहीं, बॉम्ब यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे ग्रीन कार्ड होगा पक्का। ओके, मेरे को यहाँ पे एक लाइटर मिल चुका है, कैसेट मिल चुकी है। अब मुझे देखना है कि मुझे क्या चाहिए और। तो मेरे को ना मेनली मैकेनिकल पार्ट एक और चाहिए मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो एक मैकेनिकल पार्ट मुझे चाहिए वो मुझे नीचे वहीं से मिलेगा जब मैं बॉम्ब बनाऊंगा। तो अभी हम लोग यहाँ से सीधे नीचे चलते हैं, यहाँ मुझे वापस वो मिलने वाला है। तो अभी हम सीधा ही नीचे चल रहे हैं। यहाँ से नीचे जाने का एक रास्ता और भी था शायद, आई थिंक ये है। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं सीधे बेसमेंट में, आई थिंक। तो टॉर्च बहुत कम बचा हुआ है, मुझे जल्दी से जाके ये काम करना है। मैं अभी सीधे जा रहा हूँ आगे और अपना ये काम करके आता हूँ। मुझे लगता है कि मैं बना लूंगा शायद अभी, तो पहले खाना वाना खा लेते हैं। ओके, तो जो मेरे को एक 4-डिजिट कोड मिला था, यहाँ से मुझे एक और नोट मिला और मेरे को इलेक्ट्रिक वायर मिल चुकी है। तो यहाँ वाला काम भी अपना हो चुका है, लेकिन मुझे ना अभी मैकेनिकल पार्ट्स की तलाश है। मेरे पास कितने हो चुके हैं मैकेनिकल पार्ट्स, मेरे पास 4 है, मुझे एक और चाहिए। उसके बाद हम यहाँ से चल देंगे, यानी कि अगला जो काम करना है ना वो करना स्टार्ट कर देंगे। बस एक चाहिए मुझे, यहाँ पर नहीं है कुछ भी। हाँ, काफ़ी देर से मैं इसको ढूंढ रहा हूँ और मेरे को ये ना ये बाहर मिल रहा है यहाँ पे। मतलब यहाँ मिलने का कोई मतलब था नहीं, बट मुझे यहाँ पर ये मैकेनिकल पार्ट मिला। फाइनली मेरे पास सारे हो चुके हैं, अब जाके मैं जो भी चीज़ें क्राफ्ट कर रही ना वो क्राफ्ट करता हूँ। उसके बाद मेरे को एक बॉम्ब बनाना है, अभी वो वाला डोर खोलना है। तो अभी मुझे इतना ही पता है, उसके बाद और क्या होगा ये नहीं पता, बट हमको मैकेनिकल पार्ट सारे मिल चुके हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब फाइनली वो बॉम्ब वाला काम करते हैं फटाफट से जाके। इस बार फिर मेरे को मिलने वाला है, मेरी हेडलाइट अभी है, मतलब हेडलाइट अब मैं खर्च नहीं करना चाहता, बहुत खर्च हो चुके हैं। इस बार मेरे को जल्दी से जाके काम करना है अपना। ओके, तो जल्दी से पहले यहाँ पे जाके मेरे को यूज़ कर लिया मैंने, कार जैक बन चुका। ओके, कार जैक मुझे पता है कहाँ पे करना है बॉम्ब। चलिए ठीक है, मेरे को पता चल चुका है मुझे क्या काम करना है और कहाँ जाके करना है। तो हम लोग सीधे वहीं ऊपर चलने वाले। यहाँ पर बहुत सारा प्लास्टिक है, बट हमको प्लास्टिक की जरूरत नहीं है, जो मेटल मेरे को चाहिए था। अबे ये देख कितनी बार आएगा यहाँ पे, जितनी बार आ रहा हूँ उतनी बार मिल रहा है मेरे को। ओके, अभी फाइनल वाला काम करना है, मेरे को ऊपर जाना है और यहाँ पर बॉम्ब लगा के आना है। तो मैं बॉम्ब लगा दिया, अब शायद ये फट जाएगा, मुझे डैमेज ना मिले। मैं बच गया हूँ मैं। यहाँ भी होगा क्या? नहीं। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ से मुझे ब्लूप्रिंट लेके आना है, जिससे हम लोग जो बहुत काम की चीज़ है, जिससे हम लोग पूरा इंजन वगैरह बनाएंगे अपनी अपनी राफ्ट में। क्योंकि मुझे मैकेनिकल पार्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब यही कि हम लोग इंजन वगैरह बनाएंगे उससे। और यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, अब जाके मुझे सबसे पहले यहाँ पर जाना है। ये तो डाउन स्टेयर जाने का रास्ता है ना। ओके, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो सब कुछ ही कलेक्ट कर लिया है और एक बार अपना यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सिर्फ हमारे पास एक रिकॉर्डर है जो हम बाद में कभी भी सुन सकते हैं जिसको। तो अभी यहाँ से मैं सीधे जा रहा हूँ नीचे राफ्ट में, यहाँ वाले में। और अब हमको शिप की पीछे साइड जाना है। हाँ, यहाँ पर हमारी बोट है। तो यहाँ से जितना भी सामान कलेक्ट करना था मैं ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूँ। पानी में डैमेज तो नहीं मिलेगा। ओके, चलो अभी यहाँ से ना निकल रहे हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर भी कर सकता हूँ, बट पहले अपनी जो बोट में काम करना है ना वो करते हैं। निकलते नहीं है, निकलेंगे हम लोग बाद में। पहले मैं जो चीज़ें मिली हैं उनको लर्न कर लूँ कि क्या करना है मेरे को। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे को लर्न करना पड़ेगा। काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं यहाँ से आज, मेटल वगैरह काफ़ी मिला था। मेटल भी मिला है मेरे पास, 4 ही मेटल ये है। हिंज मिला था हमको और स्क्रैप मिला था, बाकी ब्लूप्रिंट और हाँ ये लेफ्ट ओवर्स वगैरह भी मिल रखी हैं जो मैंने अभी यूज़ नहीं करी। ये दो चीज़ें, एक और रेसिपी मिली हुई है जो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर लगा देनी चाहिए। तो हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे। ओके, इसके लिए मुझे यही वाला मीट चाहिए और मशरूम। हाँ, तो मैं बनाऊँगा, तो इसका मतलब यह है कि मुझे बचा के रखना होगा। मशरूम भी हमारे पास है, ड्रिंक्स मैं यहीं पर रख रहा हूँ अभी। अब हमको पहले तो लर्न करनी है चीज़ें, तो पहले मुझे लर्न करनी है। ओके, अब जाके मुझे लर्न करनी है ये ऑलरेडी कर चुका मैं, नहीं ऐसे कैसे हो गया, रिसर्च कर चुका हूँ इसको। स्टीयरिंग व्हील है, ये इंजन है, इंजन भी कर चुका हूँ लर्न ऑलरेडी। इंजन कब कर लिया मैंने लर्न मुझे नहीं पता, मैंने एक ही को रिसर्च किया था। ओके ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हमको दोनों चीज़ें रिसर्च कर चुके हैं। तो सबसे पहले इंजन के लिए चाहिए हमको 5 मेटल और एक सर्किट बोर्ड। उसके बाद स्टीयरिंग व्हील के लिए हमको चाहिए 4 मेटल, तो 9 मेटल मेरे को चाहिए। मेरे पास मेटल कितने हैं? 7 हैं बस मेरे पास। यार 7 से काम नहीं चल पाएगा, एक सेकंड, इसमें भी कुछ मेटल है क्या मेरे पास? हो सकता है, हाँ मेटल है मेरे पास, 9 चाहिए मुझे। और अगर मेरे को एक्स्ट्रा इंजन लगाने हैं तो मेरे को ज़्यादा चाहिए होगा। तो हम लोग ना एक काम कर सकते हैं कि मेरे पास हुक है, मेरे पास एक प्लास्टिक वाला भी हुक था कहीं पे। ये है। ओके, मेरे पास एक मेटल वाला ये हुक है, तो मेरे को कहीं से मिला था क्या?
पता नहीं, बट हम यहाँ पे छोड़ते हैं अपना ये मेटल भी छोड़ रहा हूँ मैं, और बाकी खाना पीना तो सब ठीक है। तो अब मेरे को ना अंदर जाना है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शार्क है, तो मेरे को यहाँ से थोड़ा मेटल ढूंढना है। देखता हूँ, अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे शार्क है तो फिर हम लोग उसको पहले मारेंगे, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चलने वाला। ओके, तो यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर मेरे को मेटल मिलने वाला है यहाँ, क्योंकि जगह है नहीं उतनी ज़्यादा, वो थोड़ा डीप में होता है। मैंने डीप में देख लिया, पत्थर वगैरह तो हैं बट मेटल वगैरह शायद ही मुझे यहाँ पर मिलने वाला है। ये लो, शार्क ने और काट लिया। ओके, तो मुझे लगता है कि शायद मेटल मैंने कहीं रखा हो सकता है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ ढूंढ के, यहाँ से निकाल लेता हूँ। ओके, मेरे पास मेटल कितना, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे कुछ सामान मिला था उसमें भी हमारे पास 6 मेटल इनगेट ये हैं। चलिए, 9 मेटल अपने पास हो चुके हैं। अब मेरे को बनाना है सबसे पहले रोप, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ से रोप। तो हम लोग स्टेयरिंग व्हील बना सकते हैं, इंजन के लिए मेरे को अलग से मेटल चाहिए होंगे। 9 से काम चल जाता, मैंने क्यों नहीं, मैंने एक बोल्ट में उसमें गड़बड़ कर दी। ओके, एक ये बन चुका है हमारे पास स्टेयरिंग व्हील। अब मेरे को बनाना एक इंजन, इंजन के मतलब हमारे पास एक मेटल इनगेट कम है, सर्किट बोर्ड है। तो हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। हम लोग निकलेंगे तो कहीं आइलैंड पर जाएंगे और वहाँ पर शायद मेरे को कुछ चीज़ें मिल जाए। हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट आ चुका है क्या? नहीं, कोऑर्डिनेट तो कोई भी नहीं आया, बट ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से निकल ही रहे हैं एटलीस्ट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी मेरे को थोड़ा सा मेटल चाहिए, यानी कि मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ ताकि मैं एक और बना सकूँ अपने लिए, जो इंजन बनाना है मेरे को, क्योंकि मुझे पता है एक से काम नहीं चलने वाला। जितने ज़्यादा हमारी बड़ी राफ्ट होगी उतना ज़्यादा हमको इंजन चाहिए होंगे, तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ। बट मेरे को यहाँ पर अभी फिलहाल तो यहाँ पर कोई मेटल दिख नहीं रहा है। मैंने अभी यहाँ पर शार्क को नहीं मारा, तो थोड़ा ना रिस्की भी है ये मामला, बट आई होप कि यार शार्क ना आए। कई बार नहीं आते अगर हम लोग नीचे होते हैं तो, मैं वही अभी नीचे जा रहा हूँ। मेरे को कॉपर भी दिख रहा, बट मेरे को ना अभी मेटल चाहिए यार, मेरे को मेटल चाहिए, और कॉपर से अपना काम नहीं बनने वाला। तो मेटल तो अभी मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिखाई। ओके, दिखा, काफ़ी मेटल दिखा। बस चुपचाप इसको यहाँ से निकालते हैं, उसके बाद चल रहा हूँ। नहीं, गलत टाइम पर ये हो गया। ओके, ऊपर जा रहा हूँ, मर ना जाऊँ इससे पहले, और मेरी हेल्थ बहुत जल्दी ख़त्म हो रही है। हमारा इंजन भी बन चुका है और ये भी बन चुका है, मैं इसको लगा के देखता हूँ, बट मुझे पता है कि कम है, इससे नहीं चलने वाला काम। फिर भी हम लोग एक बार लगा लेते हैं इसको। वैसे कहाँ पर लगाना चाहिए मुझे? तो ये आई थिंक यहाँ पर एकदम सही रहेगा। ये टेम्परेरी है सब कुछ, ठीक है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल, जब तक हमको सामान वगैरह कलेक्ट करना है, हम ये बड़ी वाली बेकार सी राफ्ट यूज़ करने वाले। उसके बाद जब सब हो जाएगा तब हम लोग अपनी राफ्ट को बेटर कर लेंगे। अभी ऐसी ओ नहीं, इतने महंगे वाले नहीं लगाने मुझे, अभी हम लोग ऐसे ही काम चलाने वाले हैं गाइस। तो अब मुझे ना यहाँ पे इसको थोड़ा सा बेटर करना होगा, बढ़ाना होगा ताकि ये सेफ़ रहे। तो मेरे पास यहाँ पर वुड तो बहुत सारा है, प्लास्टिक भी है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। मैंने यहाँ से थोड़े से मेरे को प्लैंक यूज़ करने हैं इसमें। मेरे पास प्लास्टिक अभी कम पड़ गया, जिसकी वजह से मैं कुछ कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये मैं रख रहा हूँ। मेरे को एक और इंजन बनाना है, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पर प्लैंक लगा दी मैंने, ये रोटेट तो कर लेगा बट ये चल नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि हमको और बनाने पड़ेंगे। इसमें ऐसा टर्न ऑफ करने का ऑप्शन तो शायद नहीं होगा ना? नहीं। अब जाके हम लोग चलते हैं ऊपर, मुझे प्लास्टिक चाहिए। तो हम लोग ना विंड की डायरेक्शन में जाएंगे, तो विंड आ रहा है इस साइड से, तो हम लोग यहीं को चलते हैं। थोड़ी देर में प्लास्टिक वगैरह मिल जाएगा हमको। तो मैं यहाँ पर एक और इंजन लगा रहा हूँ अभी, आई होप कि यार ये लग जाए। मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद यहाँ से अपना एंकर हटाना चाहिए, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ पहले यहाँ से, अब शायद ये लग जाए। ओके, ये लग चुका है, तो एंकर मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया। ओह, मैंने एक्टिवेट इंजन नहीं किया था। ओके, मुझे नहीं पता था कि एक्टिवेट इंजन करना पड़ेगा। नहीं, बहुत तेज चल रहा है, एक दो से काम चल जाएगा, लेकिन इसको अब ना मैं प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। अभी तो बहुत भद्दा लग रहा है, लेकिन वही है कि इसमें वुड बहुत चाहिए होगा। तो अभी फिलहाल मेरे को कुछ टाइम पहले मेरे को स्टोरेज एरिया बनाना पड़ेगा, जिसमें बहुत सारा वुड वगैरह कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कितना वुड लग रहा है, और बहुत वुड खत्म हो चुका है मेरा ऑलरेडी। ओके, तो अभी एक बार स्पीड चेक करते हैं कि हम लोग किस स्पीड से जा रहे हैं। बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं हम लोग अभी। स्टेयरिंग व्हील तो मैं कहीं पर भी लगा सकता हूँ ना? हाँ, आराम से इसको लगा सकते हैं। ये देखो यार, कितना सही लग रहा है। हम लोग आगे एक और उसमें आने वाले हैं, तो फिलहाल मैं इसको इंजन बंद कर देता हूँ, क्योंकि ये जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा मतलब लकड़ियाँ खाता भी है, तो इसको यहाँ से एक्टिवेट करना है। और एक इंजन हमारा चल रहा है, तो कितना चल रहा है? ओके, एक ही से दोनों इंजन एक्टिवेट हो रहे हैं। एक्टिवेट यहाँ से होगा, टर्न ऑफ यहाँ से होगा, मतलब ये है आगे स्विच है इसका। तो मुझे क्या ये मैंने गलत लगा रखा है। एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, हाँ देखो यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए ना, मैंने गलत लगा दिया था उसको, तो इसको रिमूव करते हैं। ओके, तो अब एकदम परफेक्ट हो चुका है। यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करूँगा, यहाँ से वुड वगैरह इकट्ठा करूँगा उसमें,
और ये अभी मुझे लग रहा है कि ये सीधा कैसे पता चलेगा, ये मुझे समझ नहीं आ रहा इसका। ओके ओके, ये भी मुझे समझ आ चुका है, ये आई थिंक ये स्ट्रेट होगा। अगर ये ऊपर को है इसका मतलब हम लोग सीधे जा रहे हैं, और यहाँ से हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग वुड इकट्ठा कर सकते हैं। कितना वुड आ रहा है इसमें नहीं पता, बट शायद बहुत सारे इसमें वुड आने वाला है, बहुत वुड आ रहा है। ठीक है, तो अब हमको बहुत सारा वुड चाहिए होगा, और फाइनली काफ़ी कुछ चीज़ें हम लोगों ने कर ली है, बहुत सही हो रहा है। फिलहाल गाइज आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं, आई होप कि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।